ये रैप वाली शुरू की जा रही है। वाह, बेटा का अद्भुत रंगोली प्रदर्शन आप देखेंगे अभी। ये निश्चित रूप से मयूर की आकृति बनाई जा रही है। शानदार, खूबसूरत, देखिए मयूर के पंख बनाए जा रहे हैं। दावा कर सकता हूँ आपने ऐसी अद्भुत कला नहीं देखी होगी। मयूर कितना सुंदर होता उतनी सुंदर ये रंगोली बन रही है। अद्भुत कला है ये। निशे इधर गोविंद इधर करें आप। ये देखिए ये जो कलाकार है ये मयूर की आकृति इन्होंने सजाई है। और वैसे आप जानते हैं कि गणेश जी महाराज की शोभा यात्रा है और गणेश जी के भाई है कार्तिक जी, मयूर कार्तिक जी की सवारी है और गणेश जी के भाई की सवारी यहाँ पर बनाई गई है। इतने सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया गया है कि लोग मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं। भारत में अनेक कलाएँ हैं, उनमें सबसे अद्भुत कला रंगोली कला है जो मूल रूप से महाराष्ट्र और राजस्थान में देखी जाती है, लेकिन मराठी कला का तो कोई जवाब नहीं है। ये जो रंगोली सजा रही है ये एक मराठी कलाकार है, विश्व प्रसिद्ध कलाकार है द्रासरी, जो विश्व कीर्तिमानधारी है।
वाह राजश्री, निश्चित रूप से भारत कलाकारों का देश है जहाँ पर विभिन्न कलाएं होती है और इनमें एक अद्भुत रंगोली कला आप देख रहे हैं। देखिए चारों तरफ भीड़, देखिए हर तरफ। अभी इसको और सजाया जा रहा है। वैसे भी सबसे बड़ी रंगोली बनाने का विश्व कीर्तिमान इन्हीं के नाम है। इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बुलाए गए हैं। देखिए कैसे चलनी से रंग डाल रही है और ये चलनी ही इनकी ब्रश है ये कहा जा सकता है। कमाल कमाल है, निश्चित रूप से अद्भुत है ये। गणेश जी महाराज की शोभा यात्रा है, जितना बड़ा गणेश जी का पेट है उतनी बड़ी है शोभा, ये रंगोली सजाई है इन लोगों ने। हालांकि मयूर जो है वो गणेश जी के भाई कार्तिक जी की सवारी है और गणेश जी के भाई की सवारी यहाँ पर बना दी गई है। देखिए कितने सुंदर है ये और अब इसको सजाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध रंगोली आर्टिस्ट राजश्री को आप देख रहे हैं, आज के कार्यक्रम की आकर्षण रहेंगी जो अनेक रंगोलियां सजाएगी यहाँ पर अपने सहयोगियों के साथ। सरदार सिंह इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आयोजित सप्त दिवस श्रीमद भागवत कथा यज्ञ और साथ में स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की मूर्ति अनावरण समारोह में बहुत सारी चीज़ें आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें शोभा यात्रा की झांकियाँ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जो रंगोली पूरे शहर में सजाई गई, खासतौर से गांधी चौक में बहुत बड़ी रंगोली सजाई गई और कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का चित्र, बालाजी महाराज का चित्र रंगोली से बनाया गया, लोग ब्रश से ऐसा नहीं बना सकते। और ये अद्भुत कला दिखाने वाली राजेश्वरी जो कि पुणे महाराष्ट्र से, वो हमारे साथ है। आप बताएंगी कि ये कला आपने कब सीखी है? ये कला मैंने सीखी नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दी हुई देने, ये सीखा नहीं मैंने, मतलब पापा का सपोर्ट था, उन्होंने सपोर्ट किया, उनसे प्रेरणा मिली और ड्राइंग वगैरह में बहुत शौक था तो 7 साल से जब से प्रैक्टिस करने लगी तो प्रोफेशनली मतलब आर्टिस्ट हुए, ऑर्डर वगैरह लेने लगे हम लोग, फिर ऐसे भगवान के फंक्शंस में हम लोग स्पेशली सेवा करते हैं और ये सीखा नहीं है किधर भी, लोग बोलते हैं कि आपने सीखा है लेकिन नहीं सीखा, ये भगवान ने दी हुई देने, बस इसका हम लोग अभ्यास करते हैं। वो कितने वर्ष की थी आप जब आपने शुरू किया? मैक्सिमम 13-14 बरस की रहूँगी, 13 बरस की रहूँगी, तब से 7-8 साल हुए मैं ये काम करती हूँ। कहाँ कहाँ पे आपने रंगोली, भारत के अलावा बाहर भी आप गई हैं कभी? आउट ऑफ चांस आया था लेकिन गई नहीं, तभी बहुत छोटी थी और ऑल ओवर इंडिया में पूरा घूम चुकी हूँ, मेरा भारत भ्रमण हो चुका है पूरा और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो चुका है, 11 किलोमीटर 5 घंटे में नॉन स्टॉप रंगोली बना के सूरत में सूरती राजा का जो जुलूस था उसमें रंगोली बना के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया उसका नाम। आजकल इंडिया गो टैलेंट बहुत सारे कार्यक्रम टीवी पे आते हैं, आपने कभी भाग लिया उनमें? नहीं भाग तो नहीं लिया कभी, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी, काम ही ऐसा था कि प्रोफेशनली ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं हम लोग, सारे जगह पे ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं, काम रहते हैं, इसलिए कभी ऐसा सोचा नहीं कि रियलिटी शोज में चले जाओ वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। आपको नहीं लगता जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लोकप्रियता हो सकती है आपकी? देखेंगे, चांस है तो जाएंगे। ये रंग कहाँ तैयार करते हैं? बहुत सुंदर रंग आप प्रयोग करती हैं इसमें। ये तैयार नहीं करते, ये रंग है वैसे आते हैं, बस हम छलनी में डाल के इसका शेडिंग करते हैं। कैसे होता है आपके मन में कोई चित्र कैसे बनता है कि ये चित्र ऐसे बनाना है, कोई ड्राइंग पहले करती है आप या सीधे शुरू हो जाती है? नहीं ड्राइंग वगैरह कुछ मन में नहीं रहती, छलनी लेना और रंगोली का मग्गा लेना,
रंगोली स्टार्ट किया जो बन जाएगा वो रंगोली। और उसमें आप नाम भी बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं और चित्रों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो जब लोग सराहना करते हैं कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो लगता है, क्योंकि बात ऐसे है कि मैं इंग्लिश मीडियम से सीखी हूँ, मुझे मराठी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने को, तो मैं मराठी उल्टा सीखी और डिज़ाइन करके सीखी। मैं जो लिखती हूँ डिज़ाइन करके लिखती हूँ, नाम करके नहीं लिखती हूँ, ताकि वो ठीक लिख सकती हूँ, ऐसे बात है। ये जो आप ये कर रही है, आपके परिवार में आप ही करती हैं और भी लोग करते हैं? मैं करती हूँ, मेरे पापा कलर का टेक्निक उनको है, और रंगोली अकेले करती हूँ, बाकी कोई नहीं करता। सरदारशहर में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग सारे अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो बहुत सारा मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारी कला को, और थैंक यू सो मच अंकल जी ने, अमित भैया ने, ये कुबेर फैमिली ने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया। भागवत में हम लोग रंगोली बना रहे थे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इस कला को कहाँ तक ले जाना चाहती है? जब तक हूँ तब तक, जहाँ तक ले जा सकती हूँ वहाँ तक, जितना सीखूंगी उतना कमी है। एक बात बताइए, चित्र आप बनाती है, जैसे किसी व्यक्ति का हूबहू चित्र बना देती है, तो उसको सामने रख के या एक बार देखने के बाद बना देती है? बस फोटो देख के बना देते हैं, मतलब फोटो हाथ में रहता है, देख के बना देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के। थैंक यू सो मच। निश्चित रूप से अद्भुत कला है ये, आपने देखा, ये बता रही है कि मैंने कहीं देखा नहीं, किसी से सीखा नहीं, अपने आप सीख गई, गॉड गिफ्टेड है। और मुझे लग रहा है कि बालाजी की महाराज की बहुत भी कृपा है, बालाजी के दरबार में इनको यहाँ पर आने का, इतना सुंदर कार्य करने का मौका मिला है। ये रंगोली हर व्यक्ति के मन को भा रही है और निश्चित रूप से ये मन भावना आकर्षक है, बेहद खूबसूरत है। और ये रास्ते से जिससे शोभायात्रा गुजर रही है, सजाया जा रहा, इनके नाम विश्व रिकॉर्ड भी है सबसे लंबी रंगोली सजाने का, चल रही है जिसमें रंग है और कलाकार चल रहे हैं।